अच्छा जी, ये लेक्चर नंबर 28 में आ गया, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेज एंड गाइडलाइन। सबसे पहले तो ना इसकी तमहीद सुन लें कि ये क्या है। ठीक है, यानी ऐसी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेज जो इंटरनेशनल हैं और स्पेसिफिक टू सम कन्वेंशंस एंड रूल्स हैं। आप एक प्रोग्राम लिखें, आपने एक वेरिएबल को स्टोर करना है, आप उसका नाम एक्स लिख लें, नंबर वन लिख दें, आपको कोई रोकेगा तो नहीं। लेकिन नाम क्या होना चाहिए? नाम कहते हैं वो होना चाहिए जो वेरिएबल को डिस्क्राइब तो करे ना कम से कम। आपने स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है, आप रोल नंबर की बजाय एक्स रख लें तो क्या आपकी प्रोग्रामिंग नहीं हो जाएगी? आपका फंक्शन तो परफॉर्म हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात की? तो कंप्यूटर को तो कोई एतराज नहीं है, एक्स रखो या रोल नंबर लिखो, लेकिन आप याद रखें गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेज एंड गाइडलाइन का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये है। हम लोग ये समझते हैं कि हम कोड जो है ना वो लिखते हैं कंप्यूटर के लिए, हम कोड कंप्यूटर के लिए नहीं लिखते, हम कोड कंप्यूटर्स के लिए भी लिखते हैं और इंसानों के लिए भी लिखते हैं। समझ आ रही है ना? यानी ये जुमला देखें जरा आप मेंटेनिंग कोड के अंदर, के जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, एनी फूल कैन राइट कोड दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कहते हैं बेवकूफ आदमी भी कोड लिख सकता है जिसको कंप्यूटर तो समझ सकता है, लेकिन गुड प्रोग्रामर ऐसा कोड लिखता है जो इंसान भी समझता है। एक प्रोग्राम लिखा हुआ आपके सामने आ गया, उसकी इंडेंटेशन इतनी जबरदस्त हुई है, वेरिएबल के नाम इतने डिस्क्रिप्टिव लिखे हुए हैं और आपने बाकायदा उसके, अब हम कहते नहीं, हम सी का सारा प्रोग्राम जो है वो एक लाइन में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, और आप इंडेंट करके भी लिखते हैं कि जी आप इफ एल्स लिखें तो आप थोड़ी सी इंडेंटेशन दें, पता चले ये बॉडी है, ये कंडीशन है, ये स्टार्टिंग ऑफ द लूप है, ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है वेरिएबल के नाम लिखने में। तो ये सबसे पहला फ़ायदा जो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस का। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली वो प्रिंसिपल्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि आपने एक क्वालिटी कोड लिखा है और आपने एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाया है। समझ आ रही है? अगर आप क्वालिटी का लफ्ज निकाल दें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खत्म हो गई। आपने कोड लिखा है और आपने प्रोग्राम बनाया है, क्वालिटी उसमें कोई नहीं है, प्रोग्राम भी चल रहा है, कोड भी लिखा हुआ है, कोड भी चल रहा है, तो आप देखें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को आपने बिल्कुल नहीं अपनाया। तो ये जो लेक्चर्स हैं ना, लेक्चर नंबर 28 से लेकर 35 में, ये एज अ प्रोग्रामर आपको गाइड करते हैं कि आपने यार कोड कैसा लिखना है। ऐसा कोड लिखें कि आपने तो सिस्टम बना के अब किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, कल को कोई आप ही तो नहीं बैठे हुए जिसने, अब देखो कोबोल का सिस्टम है वावडा के अंदर, आज से 40 साल पहले बना था, अब वो अपडेट हो रहा है, अब 40 साल पहले जिसने लिखा था वो तो मौजूद नहीं है बंदा, अपडेट किसी और ने करना है, कोड को मेंटेन किसी और ने करना है, ये नहीं है कि जिस टीम ने कोड को डिवेलप किया उसी ने मेंटेन करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल इस बात को इंश्योर करते हैं कि आप कोड इतना ज़बरदस्त लिखें कि जब भी उस कोड को दोबारा देखा जाए, मॉडिफिकेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए और इसी तरह उसकी एक्सटेंशन के लिए, समझ आ रही है ना, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें जनरलिटी होनी चाहिए, यानी वो इतना जनरल हो, फ्लेक्सिबल हो, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ये खूबियाँ मेंटेनेंस अच्छे कोड में होनी चाहिए। समझ आई बात की या नहीं? ठीक है, ये आ गया मेंटेन कोड का। उसके बाद दूसरा काम देखें आप, सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड क्या होता है। अब मेंटेनेंस के अंदर हम आ गए हैं। सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड एक ऐसा कोड जिसको पढ़ के आपको समझ आ जाए कि ये क्या कर रहा है। हम कमेंट्स लिखते हैं या नहीं लिखते? इतनी कमेंटिंग करो कि वो कोड खुद ही बता रहा हो कि ये एक सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड है। एक सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड इज अ कोड दैट एक्सप्लेन itself without need of comments and extraneous documentation, UML diagram and so on. कोड ही आपका इतना अच्छा हो कि कमेंट्स के बगैर भी उसकी समझ आ जाए, रीडेबल। जब आपने कभी प्रोग्रामिंग की कोई क्लासेस पढ़ी होंगी ना तो आपने पढ़ा होगा कि यार रीडेबल कोड लिखना चाहिए। अब कोड लिखा हुआ है लेकिन उसकी समझ ही नहीं आ रही आपको, आपने सिर्फ इंडेंटेशन ना अगर करें हम, इंडेंट का पता है ना वो जो हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं स्टेटमेंट्स में। हाँ, मैं आपको यहाँ पे मतलब अब इस वक्त आपको चूंकि मेरी स्क्रीन नहीं नज़र आ रही तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये मैं रिकॉर्ड, ये देखें जी, यहाँ पर ये मैंने
लिखा हुआ है सी आउट, और ये मैंने एक इंडेंट करके आगे लिखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंडेंटेशन ही से आपको पता चल जाता है कि आपका कोड जो है ना वो कितना है। तो ऐसा कोड हो जिसको पढ़ के पता लग जाए बंदे को कि ये कोड क्या कर रहा है, ठीक है ना। कमेंट्स लिखने के बगैर, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने के बगैर ही आपको उसकी प्रॉपरली समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। तो किस तरह में दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है, फंक्शन साइज जी, ठीक है। फंक्शन साइज हमारे पास क्या है, हमारा प्रोग्राम मुख्तलिफ फंक्शंस पर मुश्तमिल होता है, तो इसमें कितनी लाइंस होनी चाहिए एक फंक्शन की। वैसे तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि आपका फंक्शन 20 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर 20 लाइन से बड़ा फंक्शन आप लिख देंगे तो वो तो एक पूरा प्रोग्राम बन गया ना। कम से कम लाइनों के अंदर आपने फंक्शन को लिखना है। और फंक्शन, ये बात ज़हन में रख लें, एक फंक्शन एक ही काम के लिए होता है, एक से ज्यादा काम उसमें परफॉर्म नहीं होने चाहिए। अगर एक फंक्शन इनपुट लेने का है तो वो इनपुट ले, अगर एक फंक्शन किसी कोई प्रोसेस करके प्रोसेसिंग करता है तो वो सिर्फ प्रोसेस करे, और अगर एक यानी आप एक फंक्शन लिखना चाहते हैं जो एरे को प्रिंट करे, तो अब वो सिर्फ एरे को प्रिंट ही करे बस, और कुछ ना करे एरे के साथ। आप उसे एरे दें और वो उसे प्रिंट कर दे, यही उसके अंदर जो है ना वो होना चाहिए जी, ठीक है। नहीं, मल्टीपर्पज फंक्शन का ना, फंक्शन है सिंगल टास्क, ये ध्यान में रखें। मल्टीपर्पज होना ये है कि आप उसको क्या दें वो क्या करे, वो एक और चीज है, लेकिन काम वो एक करेगा। अच्छा, उसके बाद आप देखें गुड प्रोग्रामिंग में आता है आइडेंटिफायर नेम्स, जो मैंने शुरू में आपको बात की, ठीक है। अब आप देखें आइडेंटिफायर नेम वाला पेज अगर आपके सामने है, तो अगर x इज इक्वल टू जीरो लिख दें कंपाइलर को कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर आप लिखते हैं इफ एलोक फ्लैग डबल इक्वल जीरो, तो उसका क्या मतलब है कि हम एलोकेशन फ्लैग टाइप किसी वेरिएबल की बात कर रहे हैं, समझ आ रही है ना। और इस जीरो की बजाय अगर आप न्यू नंबर लिख दें, यानी ये कॉन्स्टेंट कोई आपने डिफाइन किया हुआ है कि जीरो जो है ये न्यू नंबर के लिए है, और आपने एक्स, यानी आपका जो आइडेंटिफायर्स है ना, जो वेरिएबल है, आइडेंटिफायर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, वेरिएबल का नाम रखने के लिए, फंक्शंस के नाम रखने के लिए, कॉन्स्टेंट्स के नाम रखने के लिए। तो वो नाम जो है आपने देखा है, हर लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं, वो रूल्स और चीज़ हैं। रूल क्या है जी, कि आपका नाम अल्फाबेट यानी सी प्लस प्लस के और होंगे, जावा के और होंगे, बाकी लैंग्वेजेस के जो है ना वो और होंगे, लेकिन ये तो रूल्स हैं। रिवायात क्या है, रिवायत ये है कि नाम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, जिसे हम कन्वेंशंस कहते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफायर नेम्स जो हैं वो आपके डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, स्पेस के बगैर होने चाहिए, और ये जहन में रखें कि वो मतलब जो है ना वो एक्स वाई जेड इस तरह की चीज़ें आपने जहन में नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास कोडिंग स्टाइल गाइड जी, आपने कोड जो है वो कैसे लिखना है। आपके इस कोर्स के अंदर उसने सी प्लस प्लस और जावा को यूज़ किया है समझाने के लिए कि आपने कोड कैसे लिखना है, ठीक है। और बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि कोड आपका एक लफ्ज़ है सॉफ्टवेयर में, डर्टी कोड, क्या डर्टी, डर्टी जो ये जो लफ्ज़ नहीं होता डर्टी, यानी कोड तो लिखा हुआ है काम कर रहा है, लेकिन इतना कोड है कि उसको समझ नहीं आ रही यार ये काम कैसे कर रहा है। वेरिएबल डिफाइन करने में कोई तरतीब नहीं है, वेरिएबल का नाम लिखने में कोई तरतीब नहीं है। आपको जब ज़रूरत पड़ती है आप इंट आई कर लेते हो, आपको जब ज़रूरत पड़ती है आप इंट एक्स कर लेते हो, जब आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है आप प्रॉपर कोई नाम ही नहीं देते उसको, ठीक है ना। तो कोडिंग करनी चाहिए, उसके अंदर जो सबसे पहली गाइड है ना कोडिंग के लिए, वो नेमिंग कन्वेंशंस की है, ठीक है, कि आप नाम कैसे रखेंगे, समझ आ रही है। इसके ऊपर बड़ा काम हुआ हुआ है, जो सबसे पहली नेमिंग कन्वेंशन आई है ना उसका नाम है कैमल केस। ये लफ्ज भी मैंने बहुत अरसे बाद सुना था, बाय कैपिटलाइजेशन या कैमल केस, ठीक है, कैमल केस। कैमल केस के अंदर ये होता है कि प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर वर्ड्स आर फ्रेजेस वेयर द टर्म्स आर जॉइंड विदाउट स्पेसेस। नंबर वन, इसमें आपने दो टर्म्स को ज्वाइन करना है, स्पेस नहीं देनी। यानी एक मसला होता था कि जी आपने वेरिएबल का नाम रखना है स्टूडेंट नेम, समझ आ रही है। अब स्टूडेंट नेम को लिखने का तरीकेकार क्या है कि स्टूडेंट स्पेस नेम लिखा जाए। अब स्पेस चूंकि अलाउ नहीं होती वेरिएबल नेम में, तो आप इसका क्या करते थे, स्टूडेंट अंडरस्कोर डाल के नेम लिखते थे, ठीक है। अब इस तरह के जो टू वर्ड आपके पास वेरिएबल्स हो, आपके पास फंक्शन नेम हो, आपके पास मेथड्स के कोई नाम है, जो कुछ भी है, उसके लिए यानी एक कन्वेंशन चल रही है जिसका नाम है कैमल केस। विदाउट स्पेस उनको जोड़ दें, ठीक है, जावा में भी
इसको यूज किया जाता है। अच्छा, ये जावा का कोई भी बिल्ट इन फंक्शन आप यूज करें, वो हमेशा छोटी एबीसी से स्टार्ट होता है जावा का, ठीक है? यानी फंक्शन का नाम का जो पहला हर्फ होगा वो स्मॉल होगा, उसके आगे अगर कोई दूसरा वर्ड आ रहा है, जैसे डिस्प्ले एरे है, फर्ज करें डी छोटा होगा, एरे का ए जो है वो कैपिटल होगा, तो दिस इज कॉल्ड कैमल केस, ठीक है जी? हंगेरियन नोटेशन के लेकिन सर अंदर, ये सिर्फ जावा में या सी प्लस प्लस में भी है सर? जी ये सी प्लस प्लस में भी है, जावा में भी है, ठीक है? ये नीचे उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, देखें जी, नेमिंग कन्वेंशन की लाइन है, ये नेमिंग कन्वेंशन आ रही है, अब जरा ध्यान से पढ़ते रहिएगा, ठीक है? नेमिंग रिप्रेजेंट टाइप्स, यानी आपने क्लास का नाम लिखना है या आपने स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसका पहला वर्ड आपने बड़ा लिखना है, ठीक है? आपने क्लास लिखनी है लाइन की, तो लाइन का एल कैपिटल होना चाहिए, ठीक है? आपने क्लास लिखनी है या एक स्ट्रक्चर लिखना है सी प्लस प्लस में या जावा में, फाइल प्रीफिक्स के नाम से, तो एफ भी कैपिटल होगा, पी भी कैपिटल होगा। समझ आ गई बात की? अच्छा, दूसरा रूल देखें, अगर आपने वेरिएबल लिखना है, लाइन टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है, वेरिएबल होगा या ऑब्जेक्ट होगा, उसको हमेशा स्मॉल ए जो है ना वो लेटर से आप लोअर कैसे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर उसमें कोई दूसरा वर्ड आ गया, जैसे देखें ये लाइन है, तो सिर्फ लाइन का एल कैप स्मॉल है, लेकिन आगे फाइल प्रीफिक्स है, एफ स्मॉल है, लेकिन प्रीफिक्स को आपने बड़ा करना है, ये जेन में रखना है आपने जी, ठीक है? ये नेमिंग कन्वेंशन है सी प्लस प्लस और जावा की। अच्छा, वेरिएबल नेम मस्ट बी मिक्स्ड केस स्टार्टिंग विद लोअर केस, ठीक है? उसके बाद आ गया नेमिंग कांस्टेंट, जितने भी आपने लिखने हैं ये आपने कैपिटल में लिखने हैं, और अगर टू वर्ड कांस्टेंट होगा तो उसके दरमियान अंडरस्कोर लगानी है, उनको इकट्ठा नहीं करना, जैसे ऊपर फाइल प्रीफिक्स का तो हम इकट्ठा लिख रहे हैं ना, लेकिन हर वर्ड के पहले को बड़ा कर रहे हैं टाइप की सूरत में, और वेरिएबल की सूरत में हम पहले को छोटा और उसके बाद जितने भी आएंगे बड़ा कर रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट के अंदर आपने, जैसे ये मैक्स इटरेशन है, तो आपने अंडरस्कोर के साथ लिखना है कलर अंडरस्कोर रेड, इस तरह करके आपने इसको लिखना है जी। तो इसी तरह ये डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन हैं जी, कांस्टेंट को आपने हमेशा अंडरस्कोर मतलब रखना है। इसी तरह आप आ जाएं जी कि जब भी आपने फंक्शन का नाम लिखना है तो वो वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए और मिक्स्ड केस में लिखना है, जैसे गेट नेम है, गेट वर्ब है, और नेम का एन कैपिटल है, गेट का जी छोटा ही रहेगा। कंप्यूट टोटल विड्थ, तो ये देखें जी, कंप्यूट टोटल विड्थ स्टार्ट ये छोटी ए बी सी से हो रहा है, लेकिन आगे जितने भी वर्ड आ रहे हैं, टोटल एक अलहदा वर्ड है तो टी कैपिटल है, विड्थ एक अलहदा वर्ड है तो डब्ल्यू, इस केस को ना हम मिक्स्ड केस कहते हैं, ठीक है? फंक्शंस में और वेरिएबल के नाम लिखने में सावा जावा और सी प्लस प्लस में ये जो है ना वो चीज़ें यूज होती हैं। जब आप बात करते हैं टेम्पलेट्स की सी प्लस प्लस के अंदर, तो उस वक्त आपने सिंगल लेटर से जैसे टी लिख दिया, डी लिख दिया, सी लिख दिया, तो यही आपने यूज करना है जी। ग्लोबल वेरिएबल्स जो होंगे शुड बी रेफर्ड बाई डबल कॉलन ऑपरेटर आपके पास होगा, इस ऑपरेटर से ही आपने हमेशा, डबल कॉलन मेन विंडो है, डबल कॉलन एप्लीकेशन है, चूंकि ये इसके अलावा भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन यानी वो एक ऑपरेटर होता है हमारे पास जिसमें हम ना डैश और अंडरस्कोर यूज डैश और ग्रेटर देन का सिंबल यूज करते हैं, उसके साथ आपने इसको कॉल नहीं करना। प्राइवेट क्लास वेरिएबल्स हैव सफिक्स, उसके अंदर आपने जो है ना, ये डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन हैं जी, ये जाहिर है डेफिनेटली आपको याद करने होंगे, और पेपर में आ जाता है कि सी प्लस प्लस और जावा के जो वेरिएबल नेम कन्वेंशन हैं वो क्या हैं। अगर आप प्रोग्रामर हैं, आपने कोड पढ़ा हुआ है, तो ये बात आपको जहन में आनी चाहिए कि आपने इस तरह के नाम जो है ना वो किस तरह से लिखने हैं, ठीक है जी? ऑल नेम शुड बी रिटन इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर नाम होने चाहिए, ये नहीं लिखना आपने यानी किसी और लैंग्वेज में, जैसे डच है या ये वो, इस तरह आपने यूज नहीं करना जी, ठीक है? ये बात भी आपने जहन में रखनी है जी, ठीक हो गया? अच्छा, अगर आप देखें एक लाइन क्लास है, उसका आप लेंथ फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो कुछ आपने गेट लाइन डॉट गेट लेंथ, इस तरह इसका नाम रखना है। फंक्शन के नाम के अंदर आपको क्लास का नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये आपने अप्लाई। तो ये डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशंस हैं जी जो आपको आनी चाहिए। स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशंस फॉर जावा एंड सी प्लस प्लस क्या हैं? मसलन आपने सेट एंड गेट का फंक्शन यूज करना है जब भी आपने एक्सेसर फंक्शन लिखने हैं। एक्सेसर फंक्शन क्या है? इनपुट और आउटपुट वाले फंक्शन है। आप किसी भी, आपके पास एक क्लास है, उसका नेम जो है वो एट्रीब्यूट है, आप उस नेम की वैल्यू को सेट करते हैं, तो आपने गेट नेम और इसी तरह सेट नेम, गेट नेम इनपुट लेने के लिए होगा,
जब आप एक ऑब्जेक्ट में स्टोर नेम को हासिल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए आप गेट नेम का फंक्शन, गेटर एंड सेटर फंक्शन इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो इसे एक्सेसर फंक्शंस भी कहते हैं। एक्सेसर फंक्शन डेफिनेटली आपने गेट और सेट के साथ ही यूज करने हैं, ठीक है। जब आपने बूलियन फंक्शन लिखने हैं जिसमें आप ट्रू फॉल्स चेक करते हैं तो उसको आप इज से जो है ना वो स्टार्ट करें, जैसे इज सेट, इज विजिबल, इज फिनिश्ड, ये कुछ डेफिनेट रूल्स हैं जो आपको अप्लाई करने चाहिए, ठीक है। इसी तरह आप इज स्टेटस, इज फ्लैग यूज कर सकते हैं। देर आर फ्यू अल्टरनेटिव, इसके बजाय आप हैज़ या कैन भी यूज कर सकते हैं, हैज़ लाइसेंस, कैन एवेल्यूएट, शुड अबाउट, ठीक है, ये भी इसकी बजाय आप यूज कर सकते हैं। कंप्यूट का लफ्ज आपको यूज करना चाहिए जहां भी आपका कोई मेथड जो है वो कंप्यूट करता है, जैसे एवरेज कंप्यूट, आप कैलकुलेट की बजाय कंप्यूट एवरेज का लिखें जी, कंप्यूट इनवर्स का जो है ना वो लिखें, ठीक हो गया। इसी तरह डिफरेंट किस्म के हैं जी, ये आपने खुद से आप देख लेने, ये नेमिंग कन्वेंशंस हैं जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए एक अच्छी प्रोग्रामिंग और गुड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। देखें जी, नंबर वन क्या आया, मेंटेनेंस कोड की अच्छी होनी चाहिए, दूसरा नेमिंग कन्वेंशंस होनी चाहिए, सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड होना चाहिए। तो ये सारी प्रैक्टिसेस हैं किस चीज़ की, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस के अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें आती हैं जी, ठीक है। ये आपका लेक्चर नंबर 28 ख़त्म हो गया, फाइल हैंडलिंग टिप्स फॉर जावा, प्रोग्रामिंग के अंदर ही हम जा रहे हैं, जावा के अंदर भी, सी के अंदर भी आप फाइल हैंडलिंग करते हैं, ये टोटल प्रोग्रामिंग है आपकी। अगर आप जावा और सी प्लस प्लस के अंदर फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या टिप्स वो दे रहा है, नंबर वन तो आप ये है कि हेडर फाइल शुड बी, शुड हैव एक्सटेंशन डॉट एच, आपने माई क्लास डॉट सी प्लस प्लस की बजाय माई क्लास डॉट एच जो है ना ये आपने यूज़ करना है, सी या सी प्लस प्लस आपने यूज़ नहीं करना, जो भी क्लास आपने डिफाइन की है। क्लासेस शुड बी डिक्लेयर इन इंडिविजुअल हेडर फाइल्स विद द फाइल नेम मैचिंग, ठीक है। फाइल जब आप क्रिएट करते हैं हर क्लास के लिए आप अलहदा बनाएं और कोशिश करें कि क्लास का नाम वही रखें जो उसकी फाइल का नाम है, ताकि मैच करने में आपको मुश्किल ना हो। फोल्डर में अगर फाइल आपको नज़र आ रही है माई क्लास डॉट सी पी पी तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसके अंदर आपने कौन सी क्लास जो है ना वो डिफाइन की हुई है, ठीक है। स्पेशल करेक्टर्स लाइक टैब, पेज ब्रेक मस्ट बी अवॉइडेड, इस तरह के करेक्टर्स को आपने यूज नहीं करना, ठीक है। इनकम्प्लीटनेस ऑफ स्प्लिट लाइंस मस्ट बी मेड ऑब्वियस, टोटल इज इक्वल टू, ये देखें ये प्लस है, यहाँ डी प्लस ई लिख दिया, ये फंक्शन है और ये आपने इस तरह लिख दिया, ठीक है ना, ये जो है ना इसको जो है ना आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है और इसकी प्रैक्टिसेस भी जो है ना वो आपने नहीं करनी। स्टेटमेंट जब 80 कॉलम का पूरा हो जाए तो उसके बाद ही आपने उसको स्प्लिट करना है, अदरवाइज आपने उसको स्प्लिट नहीं करना जी, ठीक है। ब्रेक आफ्टर कॉमा, जब आपने इसको ब्रेक भी करना है तो ये असूल अपनाएं, ठीक है। जैसे ये प्लस है, प्लस के बाद ब्रेक किया, ये कॉमा है तो कॉमे के बाद ब्रेक किया, ये डबल कोटेशन है तो ठीक है, ताकि पता चले कि कॉमे के बाद ऑपरेटर के बाद आप इसको ब्रेक कर लें, अगली लाइन पे ले जाएं, कोड की रीडेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए, ठीक हो गया जी। और इसके अंदर प्रैक्टिसेस क्या हैं, इंक्लूड फाइल एंड इंक्लूड स्टेटमेंट्स फॉर जावा एंड सी प्लस प्लस, जो भी आपकी इंक्लूड की स्टेटमेंट्स हैं, हेडर फाइल मस्ट इंक्लूड कंस्ट्रक्शन, ये सारे वो रूल्स हैं जो कोड लिखते वक्त आपको जो है ना वो आपने अडॉप्ट करने। क्लासेस और इंटरफेसेस बनाते वक्त आपने वर्ड स्टैटिक, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, जो भी इनका स्कोप है कि ये क्लास पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, जो भी इनका एक्सेस मॉडिफायर है, ये एक्सेस मॉडिफायर होते हैं जी, ठीक है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, स्टैटिक है, ये तीन चार किस्म के हैं, सबको आपने क्लियरली मैंशन करना है अपनी क्लास के नाम से पहले भी और इंटरफेस के नाम से पहले भी। क्लास एंड इंटरफेस डेक्लेरेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इस मैनर में हो, पहले आप क्लास लिखें, ठीक है, उसके बाद फिर आप उसका इंटरफेस लिखें और इनहेरिटेंस मेथड, क्लास के अंदर जब आपने कोड लिखना है तो आप पहले कंस्ट्रक्टर लिखें, फिर उसके बाद उसके सारे जो मेथड हैं उनको भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर लिखें, यानी किस ऑर्डर में लिखें, जिस ऑर्डर में आपने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया है उसी ऑर्डर के अंदर जो है ना वो आप उनके फंक्शंस को जो है ना वो लिख सकते हैं। एक बड़ी अहम चीज़ है सी प्लस प्लस और जावा में, वो है टाइप कन्वर्जन, जिसे हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। बाज़ औक़ात इंट वैल्यू आपके पास इंटीजर में होती है, आपने इसे फ्लोट में तब्दील करना है। अब ये कास्टिंग जो होती है ना वो दो तरह की होती है। अब यहाँ पर अगर आप इंटीजर से फ्लोट में आ रहे हैं तो आपको कास्ट करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, आप बगैर इसके भी कर सकते हैं, इसे इम्प्लिसिट कास्टिंग कहते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ तो फिर एक्सप्लिसिट कास्टिंग। कोशिश ये करें
इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट हो, आप ये लिखते रहें साथ ना, ताकि आपको एक आदत पड़ जाए, जब भी आपने वेरिएबल को कास्ट करना है तो वो आप लिखें। कन्वर्जन मस्ट ऑलवेज बी डन एक्सप्लिसिटली, ठीक है, चाहे इम्प्लिसिट कास्ट होती भी है तो आपने उसको एक्सप्लिसिटली कास्ट करना है, ठीक है। लोकल टाइप्स दैट आर लोकल टू वन फाइल कैन बी डिक्लेयर्ड इनसाइड दैट फाइल, ठीक है। दी पार्ट्स ऑफ क्लास मस्ट, ये सारे रूल्स हैं, टाइप्स कैसे लिखनी है, वेरिएबल के नाम आपने कैसे डिफाइन करने हैं, ठीक है जी। और ये लूप स्ट्रक्चर्स के अंदर आपने किस तरह से, अब देखें लूपिंग के हवाले से क्या होता है, ये देखें ये लूप आई और उसके बाद ये सम जो है ना, ये इसकी बॉडी है, तो आप इसको इंडेंट करके लिखें, बिल्कुल साथ भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा। ये मैं पहले भी यहाँ पे बता रहा था इस कोड की एग्जाम्पल के अंदर ना, कि ये देखें इसमें मैंने किसी जगह इंडेंटेशन नहीं किया, लेकिन इस फंक्शन में आ जाए, जैसे ही मैंने बॉडी स्टार्ट की तो मैंने कोड एक स्पेस छोड़ के लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर आप देखें ये वाला जो है मेरा कोड, इस कोड में भी आप देखें, जैसे ही मैं अगर यहाँ पर मैं किसी जगह भी इफ एल्स को यूज करूंगा ना, इफ लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ जी वाई लेस देन इक्वल 10, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये देखें यहाँ पर मैंने बॉडी बनाई, खुद ब खुद उसने डाल दिया, यानी एडिटर ही अब आपको खुद ब खुद वहां लेके गया है, एडिटर ने ही आपको ये सहूलत दे दी है कि आप कोड इस तरह लिखें। अगर आप इसको वापस ले आओ, एडिटर तो आपको मना नहीं करेगा, लेकिन ये फिर डर्टी कोड में शुमार होगा, रीडेबल कोड आपका नहीं रहेगा। इसलिए लूप जब आप लगाते हैं तो उसके जितने भी आपने वेरी खास खास आपने चीज़ों को मेंशन करना है जी। लूप का जो कंट्रोल स्टेटमेंट है फॉर कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है, ये देखें जी फॉर आई इज इक्वल टू 0, आपने यहाँ पे उसको इनिशलाइज कर दिया, वेरिएबल्स को लाजमी सूरत में आपने इनिशलाइज करना है, अगर आप डन, अगर आपको ज़रूरत नहीं भी है फिर भी आप उनको इनिशलाइज करें। और ये तो वैसे ही जनरल रूल है कि वेरिएबल्स मस्ट बी इनिशलाइज एज दे आर डिक्लेयर्ड। लूपिंग के हवाले से आपने कौन से कन्वेंशन जो है ना उनको, कंडीशन के हवाले से देखें जी, आर ऑपरेटर है ये लगा हुआ, ठीक है, और ये इन करके आपने आगे लिखना है, फिर उसकी बॉडी बनानी है। अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा लंबी है और आप ब्रेक करना चाहते हैं तो ऑपरेटर के ऊपर आप ब्रेक करें, ये ना हो कि यहाँ पर ब्रेक कर लें, ऑपरेटर लगा के नीचे आ जाएं, ठीक है। और ख़ास ध्यान रखें इसका, शुड बी रिप्लेस्ड बाई, और इसको आप जो है ना वो इस तरह से मेंशन करेंगे, ठीक है जी। तो ये वो नेमिंग कन्वेंशंस हैं जो आपको आनी चाहिए। इसी तरह वेरिएबल्स के हवाले से क्या है, लूप्स के हवाले से क्या है, फंक्शन के नाम के हवाले से क्या है। अब अगर तो आप पहले कुछ कोडिंग वगैरह करते हैं फिर तो ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स में। मुझे याद है कि मैंने जब ये जब मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा था ना, तो उसी वक्त ये चीज़ें हमारे टीचर ने हमें बता दी थी, और कोशिश की कि कोड हमेशा उसी तरह लिखा जाए। अगर रोल नंबर का वेरिएबल लिखना है तो आर एन ओ लिखा जाए बजाय एक्स लिखने के। नाम डिस्क्रिप्टिव लिखते थे, कैमल केस को, मिक्स्ड केस को, तमाम चीज़ों को अप्लाई किया जाता था, तो इसलिए ये वाला पोर्शन जो था वो आसानी से हमारी समझ में आ गया। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को आपने जब डिक्लेयर करना है तो आप 0.0 लिखें, अकेला 0 ना लिखें, क्योंकि ये फ्लोटिंग है। अच्छा, अगर आपने 3.0e^8 है तो इसको आपने जो है ना 3e^8 नहीं लिखना, क्योंकि ये लिखने से भी मतलब वही है, मतलब 0 का 0.0 ही है, 3.8 का 0 है, लेकिन लिखना आपने ऐसे नहीं है, प्रॉपर आप उसे काइंडली लिखेंगे। और अगर आप एक इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट ला लें, जैसे आप ए प्लस बी मल्टीप्लाई 10 करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो ए है ये भी फ्लोट है, बी भी फ्लोट है, और इस 10, तो फिर आप 10.0 जो है ना मेंशन करने, वरना सम टाइम्स जो है वो इम्प्लिसिट कास्टिंग की वजह से आपका रिजल्ट जो है ना वो भी गलत हो जाता है और आप इसमें परेशान हो सकते हैं जी। जी लेक्चर नंबर 30 में आ जाएं जी। कमेंट्स आपने कैसे लिखने हैं जी, सी प्लस प्लस में और जावा में, हमें पता है कमेंट्स लिखने के दोनों लैंग्वेजेस में दो तरीके हैं, एक डबल स्लैश के साथ है, ठीक है, और एक हमारे पास जो है वो स्लैश स्टैरिक के साथ है। यानी एक तरीका तो ये है कि आप डबल लाइन लगा दें, ये भी कमेंट्स है, और एक तरीका आपके पास ये भी है, अगर आप एक लंबा कमेंट लिखना चाहते हैं मल्टी लाइन तो स्लैश के साथ स्टैरिक लगाएं और जो कुछ भी लिखना है लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं, और उसके बाद ये भी देखें, ये लिखते जा रहा हूँ मैं, लिखता जा रहा हूँ, और जहाँ पे मैं ख़त्म करूँगा तो मैं फिर स्टैरिक स्लैश डाल दूंगा, तो ये सारा हिस्सा कमेंट बन जाएगा, ठीक है। दो तरीक़ों से आप सी प्लस प्लस और जावा के अंदर कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखें ज़रा, ये तो चलो हो गया सो होना है ना, ये मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम के अंदर हर लाइन के आगे मैंने या हर लाइन से ऊपर मैंने कमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपका कोड जो है वो
वेल कमेंटेड कोड होना चाहिए। कमेंट्स लिखने में आपको जो है ना वो इन चीज़ों को जहन में आपने रखना है, ठीक हो गया। एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स के वक्त आपने क्या करना है जी, सबसे बेसिक चीज़ जो है ना वो इंडेंटेशन है, शुड बी टू। मसलन फॉर है, आई है, अब आपकी ये बॉडी है, तो इसको आपने फार के नीचे बिल्कुल नहीं लिखना। अब जो अगर आप एडिटर में कोड लिखते हैं ना, जैसे डेव सी प्लस प्लस है या टेक्स्ट पैड है, कोई भी है, ये खुद वो इन चीज़ों को बेहतर करना उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ पर देखें, नाम उसने एन एलिमेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, एन स्मॉल है लेकिन ई का ई का मिक्स केस के अंदर ही लिखा हुआ है। नेचुरल फॉर्म ऑफ, इसी तरह एक्सप्रेशंस में आपने किस तरह से चीज़ों को लिखना है। पेरेंट साइज को भी ज़रूर, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए उनके दरमियान, जैसे ये लिखा हुआ है डबल करके, यहाँ पे ये है और ये है, इस चीज़ को भी आपने थोड़ा सा जहन में रखना है, ठीक है। तो ब्रेकअप कॉम्प्लेक्स, अगर आपके पास एक्सप्रेशंस बड़ी हैं, जैसे ये है एक कॉम्प्लेक्स कंप्रेशन है, तो बजाय इसके कि आप इसको ऐसे लिखें, अब ये टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया हुआ उसने, ठीक है, तो बजाय ये इसकी इसको पढ़ने वाले को, कंप्यूटर को समझ आ जाएगी, फंक्शनैलिटी भी हो जाएगी, लेकिन जब कभी मेंटेनेंस वाला बंदा आएगा वो इस कोड को देखेगा, ह्यूमन कुड नॉट बी अंडरस्टैंड। तो अगर लेकिन यही कोड आप इससे इस तरह लिखते हैं इफ़ के साथ और एल्स के साथ, तो क्या होगी, यही वही कोड है, वही फंक्शनैलिटी है जो आपकी यहाँ पर परफॉर्म हो रही है, ठीक है जी। तो 30 तक हमारे लेक्चर हो गए हैं जी, 31 से नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह फिर देखेंगे जी। थैंक यू वेरी मच जी।